मैराशिद इंडिया 50 से करेंगे शुरुआत। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच का आज 11वां दिन है। रिया से आज फिर 5वें दिन पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती से कल करीब 9 घंटे तक सीबीआई ने पूछताछ की। रिया से अब तक 4 दिन में 35 घंटे पूछताछ की गई। सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया सीधे सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंची। रिया ने मीडिया के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज करवाई है। सीबीआई आज फिर सिद्धार्थ, नीरज, सैम्बल और केशव से पूछताछ करेगी। सुबह करीब 11 बजे डीआरडीओ ऑफिस पहुंचेंगे चारों। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही सीबीआई नीरज, सिद्धार्थ पिछानी और सुशांत की बहनों के साथ रिया को बिठाकर पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम ने सिद्धार्थ पिछानी, नीरज, रिया, सैम्बल, रजत को एक साथ बिठाकर पैसों के लेन देन को लेकर पूछताछ की है। कारोबारी गौरव आर्या से आज फिर ईडी की पूछताछ होगी। गौरव से रिया के साथ ड्रग चैट को लेकर सवाल जवाब हो सकते हैं। ईडी ने कल गौरव आर्या से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की है। गौरव आर्या ने रिया को किसी भी तरह की ड्रग सप्लाई की बात से इंकार किया। सीबीआई ने सुशांत की एक्स मैनेजर श्रुति मोदी से रिया का सामना करवाया। श्रुति मोदी से भी सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक सवाल जवाब किया है। सुशांत और उनकी बहन प्रियंका का नया चैट सामने आया। ये चैट 8 जून का है जब रिया सुशांत के घर पर मौजूद थे। चैट में प्रियंका ने सुशांत को एक हफ्ते तक लिब्रियम कैप्सूल लेने को कहा। बाद में नेक्सिटो 10 mg हर दिन एक बार खाने को कहा था। सुशांत केस में कूपर अस्पताल के डीन ने रिया के शव घर जाने को लेकर मानवाधिकार आयोग को सफाई दी है। मानवाधिकार आयोग ने रिया के शव घर जाने को लेकर उन्हें नोटिस भेजा था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पंचतत्व में विलीन होंगे। दोपहर 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शोक जताते हुए कहा कि एक युग का अंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके शोक जताया। कहा, प्रणब मुखर्जी ने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके शोक जताया। लिखा, प्रणब मुखर्जी का निधन राष्ट्र के लिए क्षति है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। कहा, प्रणब दा महान विद्वान और देशभक्त थे। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर के रिहायशी इलाकों में गोले दागे। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच एक बार फिर से हुई झड़प। पैंगोंग के पास चीनी सैनिकों ने समझौता तोड़ते हुए सीमा पर मूवमेंट किया था। 29-30 अगस्त की रात को दोनों सेना के बीच झड़प हुई। चीन एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा था। तनाव के बाद चीन की तरफ से प्रतिक्रिया आई। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि हमारे सैनिक बॉर्डर के नियमों का पालन करते हैं, एलएसी पार नहीं करते। गलवान घाटी पर चीन की सबसे बड़ी झूठ का खुलासा हुआ। गलवान घाटी में मारे गए चीन के 35 जवानों की कब्र की तस्वीर सामने आई। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई है। झड़प में चीन ने अपने सैनिकों के मरने की आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की। श्रीनगर ले हाईवे को आम लोगों के लिए बंद किया गया। हालांकि सुरक्षा बल हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 78,512 नए मरीज सामने आए। भारत में अब तक कोरोना के 36,21,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 7,81,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 7,93,122 केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11,852 नए मरीज बढ़े। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,358 नए केस आए। वहीं 18 मरीजों की मौत हो गई। उत्तराखंड में एक महिला ने बीजेपी विधायक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करवाया। कांग्रेस ने आरोपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। एमपी के शहडोल में नंदगिरी महाराज पर हमलावरों ने लूटने की कोशिश की। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उचित इलाज नहीं मिलने का आरोप लगाकर हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया।
कानपुर में नौकरानी ने मालिक के बच्चे को बेरहमी से पीटा, पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में छेड़खानी करने पर गांव वालों ने आरोपी को पूरे गांव में नंगा घुमाया, आरोपी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मिर्जापुर में प्रेमी ने अपनी गर्भवती प्रेमिका को मारने की कोशिश की, युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। महाराष्ट्र के भंडारा डैम के कई गेट खोल दिए गए, प्रशासन ने निचले इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। गढ़चिरौली में बाढ़ और बारिश के बाद डैम खोलने से गोदावरी नदी उफान पर है, किसानों की फसलें पूरी तरह तबाह हो गईं। महाराष्ट्र में भंडारा सब्जी मंडी पूरी तरह पानी में डूब गई, लाखों की सब्जियां पानी में बर्बाद हो गईं। एमपी के विदिशा में बाढ़ से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं, प्रशासन ने पिछले 24 घंटे में पानी में फंसे करीब 700 लोगों का रेस्क्यू किया। भोपाल में बारिश के चलते मोती महल का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। महल करीब 150 साल पुराना है। एमपी के धार में डैम के गेट खोलने के बाद से ही निचले इलाकों में पानी भरता जा रहा है, प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाके को खाली कराना शुरू कर दिया है। एमपी के बड़वानी में नर्मदा नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया है, प्रशासन ने इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका में चुनाव से पहले हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, ओरेगॉन में प्रदर्शनकारी और ट्रंप समर्थक आमने सामने आ गए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। यूएई ने 48 साल के बाद इसराइल पर बॉयकॉट वाला कानून खत्म कर दिया, सोमवार को इसराइल और अमेरिका के आला अफसरों का एक दल अबू धाबी पहुंचा। ताइवान ने एक बार में एक बड़ा हादसा टला, पतंग महोत्सव में पतंग के साथ 3 साल की लड़की उड़ गई। हवा में कई बार गोता लगाने के बाद लड़की नीचे आई, तब उसे पकड़कर बचाया गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। सुरेश रैना के आईपीएल छोड़कर भारत लौट आने की वजह सामने आई है, रिपोर्ट के मुताबिक रैना धोनी जैसा होटल रूम नहीं मिलने से नाराज थे। कोरोना संकट के बीच यूएस ओपन न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के खेला जा रहा है। यूएस ओपन में कोरोना का पहला मामला सामने आया, फ्रांस के टेनिस प्लेयर बेनुआ पेर का टेस्ट पॉजिटिव आया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,55,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 8,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।